एक व्यूअर का क्वेश्चन है, इट इज स्टेटेड दैट क्या है। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। कई बार आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां आप कहते हैं कहा जाता है या बताया जाता है, तो वहीं पर आप इस टॉपिक का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलते हैं। कैसे बोलते हैं आइए इस बात को एग्जाम्पल्स में बेहतर तरीके से समझें। कहा जाता है कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज स्टेटेड दैट वी यूज ऑनली 10% ऑफ आवर ब्रेन। यानी कहा जाता है कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करते हैं। कहा जाता है कि हमें मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज स्टेटेड दैट वी हैव टू बी अलाइव अगेन आफ्टर डेथ। यानी कहा जाता है कि हमें मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। बताया जाता है कि कहना आसान है करना मुश्किल है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज स्टेटेड दैट इजियर सैड देन डन। यानी कहना आसान है करना मुश्किल है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा कि जब आपको कहना हो कहा जाता है या बताया जाता है को बोलने के लिए आप कहेंगे इट इज स्टेटेड दैट। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखें जहां वर्ड स्टेट का यूज होगा। जैसे उसका कहना है कि वह शाम तक घर पहुंचेगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही स्टेट्स दैट ही विल रीच होम टिल इवनिंग। यानी उसका कहना है कि वह शाम तक घर पहुंचेगा। उन लोगों का कहना है कि काम अभी अधूरा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दे स्टेट दैट द वर्क इज अंडन नाउ। यानी उनका कहना है कि काम अभी अंडन है यानी अधूरा है। अगर इस सेंटेंस को आप पास्ट में बोलना चाहते हैं तो आप ऐसे बोलेंगे उन लोगों का कहना था कि काम अधूरा था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दे स्टेटेड दैट द वर्क वॉज अंडन। यानी उन लोगों का कहना था कि काम अधूरा था। उसका कहना था कि उसने कोई गलती नहीं किया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही स्टेटेड दैट ही डिड नो रॉन्ग। यानी उसका कहना था कि उसने कोई गलती नहीं किया। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि इट इज स्टेटेड दैट क्या है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।